महीने की शुरुआत में ही अचानक से बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इतनी ठंड शायद पिछले 10 सालों में भी कभी नहीं पड़ी। इसी समय में अंजलि गर्भवती है। उसका ये 8वां महीना चल रहा है। वो घर के अंदर ठंड से कांपती हुई बैठी है। हे भगवान, आज इतनी ठंड क्यों है? मेरे बच्चे को बस ठंड ना लग जाए। उसी वक्त वहाँ उसका पति रमेश आता है और गुस्से से कहता है, ए काली कलोटी, यहाँ चुपचाप बैठे रहने से खाना बन जाएगा क्या? रमेश अंजलि को इसी नाम से बुलाता है क्योंकि अंजलि काली है। रमेश ने बस दहेज के चक्कर में अंजलि से शादी की थी, लेकिन अब वो अंजलि से अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। रमेश की माँ सरला भी यही चाहती है। अंजलि कहती है, आज बहुत ठंड है जी, और मेरी तबीयत बहुत खराब है। इस वक्त काम करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सरला वहाँ पर आ जाती है और कहती है, आए हाय, कहाँ से आ गई है महारानी? एक तो काम चोर है, ऊपर से जबान भी लड़ाती है। हाँ हाँ, इसके बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। अपने पिता के बारे में उल्टा सीधा सुनकर अंजलि गुस्सा हो जाती है और रमेश से झगड़ा करने लग जाती है। रमेश का ये रोज का है, वो हर वक्त अंजलि के माता पिता को लेकर टोंट मारता है। आज अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है। मेरे पिता के बारे में कुछ भी मत कहना, वो बहुत अच्छे आदमी थे, और तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए मेरे होते हुए भी बाहर मुंह मारते हो। क्या, तेरी इतनी हिम्मत? छोटे घर की लड़की है ना बेटा, अभी निकाल दे इसे, ये इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। रमेश अंजलि की चोटी पकड़कर खींचता है और उसे घर से बाहर धकेल देता है। अंजलि पेट के बल गिरती है। आह, मेरा बच्चा! तू और तेरा बच्चा दोनों मनहूस हैं। निकल जा इस घर से। अंजलि रोती हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बदन पर बस एक ही कपड़ा है। ठंड से बचने के लिए उसके पास एक चद्दर तक नहीं है। वो ठंड से कांपने लगती है। हे दुर्गा माँ, कितनी ठंड है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे जुकाम हो गया तो मेरे होने वाले बच्चे की भी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं क्या करूँ दुर्गा माँ, क्या करूँ? अंजलि कुछ दूर चलकर जाती है और देखती है कि 3-4 लोग रास्ते में आग सेक रहे हैं। वो रही आग, मुझे ठंड से बचने के लिए आग के पास जाना होगा। अंजलि आग के पास जाती है तो वो 4 लोग उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, ए औरत, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? घर नहीं है तेरा? नहीं साहब, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छा, जिस औरत को गर्भवती अवस्था में उसका पति घर से निकाल दे, वो औरत अच्छी नहीं हो सकती। जरूर तूने कोई गलती की है। हाँ, मैं काली हूँ, यही मेरी गलती है। यहाँ ज्यादा रोध होकर कोई फायदा नहीं होगा, जा यहाँ से, भाग। वो आदमी अंजलि को वहाँ से भगा देता है। अंजलि डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। उसको ये रात किसी गर्म जगह पर बितानी होगी, नहीं तो वो ठंड के मारे ही मर जाएगी। अंजलि ऐसी जगह ढूंढती है। हे दुर्गा माँ, मुझे दिशा दिखाए, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, कहाँ बिताऊँ ये रात? कुछ दूर जाने के बाद अंजलि को एक टूटी हुई दुकान दिखती है। अंजलि उसी के अंदर घुस जाती है। अच्छा है, मुझे ये टूटी हुई दुकान तो दिख गई, इसके अंदर थोड़ी तो गर्माहट है। दुकान के अंदर बैठे बैठे अंजलि की आंख लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है। बाहर पुलिस गाड़ी लेकर पेट्रोलिंग कर रही थी। गाड़ी से एक ऑफिसर निकलकर अंजलि के पास जाता है और लात मारकर उसे उठाता है। ए औरत, उठ, अरे उठ जा। अंजलि उठ जाती है और पुलिस को देखकर वो चौंक भी जाती है। क्या हुआ साहब? ये तेरी सोने की जगह नहीं है, भिखारिन कहीं की। पता नहीं रात को तुम लोग बाहर क्या करते हो, भाग यहाँ से अभी, नहीं तो जेल में डाल दूंगा, भाग। अंजलि डर के मारे दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो गर्भवती है, इसीलिए कुछ देर दौड़ने के बाद ही उसकी सांस फूलने लगती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठती है। ठंडी हवा से उसका बदन कांप उठता है। उसे बहुत ही भूख भी लग चुकी है। पेड़ के पीछे मिट्टी में एक बिस्कुट पड़ा हुआ था। अंजलि उसी को खाने के लिए उठाती है, लेकिन तभी वहाँ रास्ते का एक कुत्ता आकर दुम हिलाता है। क्या हुआ, भूख लगी है तुझे? वो कुत्ता प्यार से भौंकता है। अंजलि को दया आती है और वो उस कुत्ते को बिस्कुट दे देती है। ये ले, तू ही खा ले। बिस्कुट खाकर वो कुत्ता अंजलि का वफादार बन जाता है। वो अंजलि के शरीर से अपना शरीर लगाकर सो जाता है। उसके शरीर से अंजलि को गर्माहट मिलती है। अंजलि को कुछ देर के लिए सुकून मिलता है। इसी तरह सुबह हो जाती है और अंजलि रास्तों में भटकती रहती है। उधर सरला रमेश की दूसरी शादी करवाने की तैयारी में लग गई है। रमेश भी शादी के लिए राजी है। रमेश ने लड़की भी पसंद कर ली है। अब बस शादी होने की देरी है। इधर अंजलि पूरा दिन रास्ते में भटकती है। उसके साथ वो कुत्ता भी घूमता है और रात को अचानक से अंजलि को पेट दर्द शुरू होता है। आह, बहुत दर्द हो रहा है, आह आह। अंजलि फुटपाथ पर सो जाती है। वो कुत्ता कहीं से कपड़ा लाकर अंजलि को ढक देता है और उसके बाद अंजलि एक बेटी को जन्म देती है।
इतनी सर्दी की रात में अंजलि की एक बेटी होती है और वो ठंड की वजह से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ बच्चा, ठंड लग रही है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रुक जा बेटी, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अंजलि अपना कपड़ा फाड़ कर अपनी बेटी को ढकती है ताकि उसे ठंड न लग सके। अंजलि अभी जहाँ है वो एक जंगल के पास है। नवजात बच्चे की खुशबू से वहाँ तुरंत एक तेंदुआ चला आता है। अंजलि डर जाती है। अरे बाप रे, तेंदुआ, अब क्या होगा। वो तेंदुआ अंजलि की बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कुत्ता उस तेंदुए पर हमला कर देता है और दोनों लड़ाई करते करते जंगल में घुस जाते हैं। वो कुत्ता और लौटता नहीं। अंजलि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दौड़ती रहती है और दौड़ते दौड़ते दुर्गा माँ के एक मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर में पुजारी जी पूजा कर रहे थे। बेटी, तुम कौन हो? अंजलि सब कुछ बताती है और पुजारी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम दुर्गा माँ की भक्त हो ना बेटी, ये उन्हीं का मंदिर है, तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पति को अपनी नवजात बेटी के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर तुम्हें फिर से अपना लेंगे। मैं कल ही किसी को तुम्हारे घर भेजूंगा। पुजारी जी अंजलि को सोने के लिए कंबल देते हैं। अगले दिन वो एक आदमी को अंजलि के घर भेजते हैं। वो आदमी ढूंढते हुए घर तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि उस घर में शादी का माहौल है। रमेश मंडप में शादी के लिए बैठा हुआ है और उसके पास उसकी होने वाली पत्नी भी है। तुम कौन हो, यहाँ क्या चाहिए? वो आदमी अंजलि और उसकी बेटी के बारे में कहता है। रमेश की होने वाली पत्नी को अंजलि के बारे में पता नहीं था। वो गुस्सा होकर शादी तोड़ देती है और इसी बात से रमेश गुस्सा हो जाता है। वो आदमी लौट आता है। रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, उस काली चुड़ैल को बाहर निकालने के बाद भी मेरी शादी नहीं हो पाई, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसे नहीं, उसकी बेटी को, उसे ज्यादा दुख मिलेगा। हाँ। रात को दोनों मिलकर उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। अंजलि अपनी बेटी के साथ सो रही थी। रमेश उसकी बेटी को चुपके से उठा लेता है और दौड़ लगाता है। अंजलि की नींद टूट जाती है। रुक जाइए, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तूने मेरी शादी तुड़वा दी ना, मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। अंजलि भी दौड़ लगाती है और मन ही मन माँ दुर्गा को बुलाती है। हे दुर्गा माँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए। वो लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। पानी बहुत ठंडा है। रमेश उसकी बेटी को उस ठंडे पानी में फेंक देता है। नहीं, ये क्या किया आपने, मेरी बच्ची। अंजलि रोते हुए नदी के पानी में छलांग लगा देती है और कुछ देर तैरने के बाद अपनी बेटी को गोद में लेकर ऊपर उठती है। लेकिन उसकी बेटी अब आंख भी नहीं खोल रही है। बेटी, बेटी क्या हुआ तुझे, बेटी? ठंडे पानी में उसका खून जम गया है, उसके दिल में बर्फ जम गया है, वो मर गई है। नहीं नहीं, हे दुर्गा माँ, मेरी बेटी ने क्या गलती की थी, उसे क्यों सजा मिली। अंजलि अपनी बेटी को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर में जाती है और दीवारों पर सर पटक पटक कर रोती है। रमेश और सरला हंसते हुए ये सब देखते हैं और तभी वहाँ एक चमत्कार हो जाता है। दुर्गा माँ की मूर्ति से दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। अंजलि, रो मत, मैं आ गई हूँ। दुर्गा माँ को देखकर सभी चौंक जाते हैं। अंजलि, मैं हमेशा से तेरे साथ थी, मैं हमेशा से तेरी रक्षा करते आई हूँ, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो या किसी कुत्ते के रूप में। तू बहुत नरम दिल की है अंजलि, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, इन दो दरिंदों की तरह नहीं, इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। ये बोलकर दुर्गा माँ रमेश और सरला को बर्फ का पुतला बना देती है और फिर अपनी जादुई शक्ति से अंजलि की बेटी को भी जिंदा कर देती है। दुर्गा माँ, आप महान हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माँ अदृश्य हो जाती है। सुबह धूप निकलते ही रमेश और सरला के बर्फ के पुतले पिघल जाते हैं। इस तरह दोनों की मौत हो जाती है। अंजलि को इंसाफ मिलता है। अंजलि अपनी बेटी के साथ मंदिर में ही रह जाती है और दुर्गा माँ की सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित कर देती है। रोशनी अपने गांव में अपशगुनी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो जहाँ भी जाती है कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। एक बार वो पड़ोस में एक सहेली की शादी में गई थी। कुछ देर बाद पता चला कि दूल्हा आते वक्त एक एक्सीडेंट में मारा गया है। उस दिन से उसकी सहेली ने भी रोशनी से बात करना बंद कर दिया। रोशनी अपने कमरे में जाकर रोती रही। इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी कुछ किया है, सब लोग खामखा मुझे दोषी ठहराते रहते हैं। इसके बाद से गांव का कोई भी रोशनी को अपने घर पर नहीं बुलाता था, कोई उससे बात भी नहीं करता। रोशनी के पिता का नाम मनोहर है। मनोहर चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। रोशनी के लिए रिश्ते भी आने लगते हैं, लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है कि बेटी अपशगुनी है, तब वो लोग शादी के लिए इनकार कर देते हैं। मनोहर इस बात से बहुत परेशान है,
लेकिन इतने में ही रोशनी के कॉलेज का एक लड़का रोशनी से प्यार कर बैठता है। उसका नाम राहुल है। मनोहर एक चांस में हाँ कर देता है। लड़का खुद से मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। लेकिन लड़के की माँ संघमित्रा राहुल के इस फैसले से खुश नहीं है। वो कहती है, बेटा लड़की अपशगुनी है, इससे शादी करेगा तो जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी। माँ ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। राहुल और रोशनी की शादी की डेट फाइनल हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन एक दुर्घटना घट जाती है। अपनी बेटी की शादी की खरीदारी के लिए मनोहर बाजार जाता है और अचानक से एक भूकंप आ जाता है। चारों तरफ बिल्डिंग कांपने लगती है और किसी एक बिल्डिंग से कांच की एक खिड़की आकर गिरती है मनोहर के ऊपर। उसी वक्त मनोहर का देहांत हो जाता है। मनोहर की बॉडी को घर लाया जाता है। ये क्या हो गया पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्यों? रोशनी पिता की मृत्यु के शोक में डूब जाती है और उसी वक्त गांव वाले उसे ताना मारने लगते हैं। अभी ये सब रोने धोने का ढोंग करके क्या फायदा, तेरी शादी का सामान खरीदने के लिए ही तो गए थे, अब शगुनी कहीं की। राहुल और संघमित्रा भी आए हुए हैं। संघमित्रा कहती है, अब ये शादी नहीं हो सकती, लड़की के पिता नहीं रहे, अब कन्यादान कौन करेगा। लेकिन गांव वाले चाहते हैं कि ये शादी हो जाए और रोशनी इस गांव से चली जाए। गांव वालों में एक कुम्हार है, वो मिट्टी से बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता है। वो कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं मिट्टी से एक बड़ा सा पुतला बना दूंगा मनोहर भाई साहब का, वही करेंगे कन्यादान। हाँ हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। कुम्हार मिट्टी से मनोहर का पुतला बनाने लग जाता है। कुछ दिनों बाद मिट्टी का पुतला बनकर तैयार हो जाता है। शादी वाले दिन रोशनी सज धज कर तैयार हो जाती है। राहुल घोड़ी पर चढ़कर आता है। शादी शुरू की जाती है। कन्यादान का समय हो गया है, लड़की के पिता को बुलाइए। तब उस मिट्टी के पुतले को लाया जाता है और मंडप में बिठाया जाता है। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ते हैं और राहुल के साथ रोशनी की शादी हो जाती है। मगर अचानक से राहुल की शेरवानी में हवन कुंड से आग लग जाती है। अरे अरे ये क्या, आग आग! सभी चौंक जाते हैं और वहाँ हल्ला मच जाता है। राहुल डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगता है और उससे आग ज्यादा फैल जाती है। राहुल की शेरवानी जलने लगती है। अरे बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। तभी रोशनी राहुल का हाथ पकड़ती है और पास के एक तालाब में छलांग लगा देती है। पानी में छलांग लगाने से आग बुझ जाती है और राहुल बच जाता है। लेकिन संघमित्रा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो रोशनी से कहती है, तुम्हारी वजह से हुआ है ऐसा, तुम अपशगुनी हो। रोशनी रोने लगती है। तभी राहुल कहता है, माँ तुम ये सब क्या बोल रही हो, अपशगुनी जैसा कुछ नहीं होता, ये तो केवल एक एक्सीडेंट था। रोशनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो तुम मेरे साथ चलो। राहुल घोड़ी पर बैठ जाता है और रोशनी को डोली में बिठाकर उठाया जाता है। डोली में बैठकर रोशनी ससुराल पहुँच जाती है। उधर ससुराल में संघमित्रा की एक पड़ोसी है, उनका नाम मालिनी है। मालिनी संघमित्रा से जलती है क्योंकि संघमित्रा के पास ज्यादा पैसे हैं। राहुल की शादी के बाद संघमित्रा एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। इतनी बड़ी पार्टी देखकर मालिनी अंदर ही अंदर जलने लगती है। इससे अच्छी पार्टी तो मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। तो कीजिए ना, किसने मना किया है, कहीं पैसों की कमी तो नहीं है। ऐसी ठेस भरी बात सुनकर मालिनी को बुरा लगता है। मालिनी मन ही मन संघमित्रा को खत्म करने का प्लान बनाती है। उधर संघमित्रा ने रोशनी को बहू कम और एक काम वाली ज्यादा बनाकर रख दिया है। मगर रोशनी जो भी करने जाती उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। खाना बनाती है तो रसोई में सारे बर्तन गिर जाते हैं। घर साफ करती है तो उसमें फिसलकर संघमित्रा गिर जाती है और उसकी कमर टूट जाती है। शादी से पहले मैंने बार बार राहुल से कहा था कि एक अपशगुनी से शादी मत करो, जो अपने बाप को ही खा गई, वो हमारी ऐसी हालत तो करेगी ही। रोशनी रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जानबूझकर नहीं करती हूँ। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने रोकर कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद रोशनी प्रेग्नेंट हो जाती है। संघमित्रा उसे ताना मारने लगती है। हमारे घर का चिराग आने वाला है, देखना कहीं कुछ हो न जाए, तू अपशगुनी है, मुझे तो लगता है कि तू इस बच्चे को भी मार डालेगी। ये आप क्या कह रही है माँ जी, आखिर एक माँ उसके बच्चे को कैसे मार सकती है। 9 महीने बीत जाते हैं और रोशनी की गोद में एक हंसता खेलता बेटा आता है। घर में सभी खुश हो जाते हैं। संघमित्रा तो बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन मालिनी को बहुत जलन होती है। उसके बेटे की शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि खोट उसके बेटे में ही है, इसीलिए संघमित्रा के पोते को देखकर वो जलकर राख हो जाती है। संघमित्रा मैं तुझे चैन की सांस लेने नहीं दूंगी, तेरा तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसके कुछ ही दिनों बाद दोपहर को रोशनी का बेटा सो रहा है। रोशनी काम कर रही है।
इतने में घर के बाहर एक भिखारी आता है। भगवान के नाम पे कुछ खाना दे दो, हम बहुत भूखे हैं। रोशनी को बेचारे पर दया आती है, वो खाना लेने रसोई जाती है और इतने में वो भिखारी रोशनी के बेटे को गोद में उठाता है और दौड़ने लगता है। रोशनी ये देख लेती है और चिल्लाने लगती है, माँ जी माँ जी यहाँ आइए, माँ जी मेरा बच्चा चोरी हो गया। रोशनी के चिल्लाने पर संगमित्रा और राहुल दोनों आते हैं और राहुल दौड़कर उस भिखारी को पकड़ लेता है और बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। उसके बाद राहुल उसे दो चमाट लगाता है और वो भिखारी रोने लगता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो मालिनी का प्लान था। मालिनी? मालिनी ने ऐसा किया? संगमित्रा मालिनी के पास जाती है और उसे पुलिस में ले जाने की धमकी देती है। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी और तेरा खेल खत्म कर दूंगी। हाँ, ये बोलकर संगमित्रा पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाहर जाती है। पुलिस के पास जाएगी? रुक जा, मैं तुझे उस लायक ही नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर मालिनी एक चाकू लेकर संगमित्रा की ओर बढ़ती है, मगर रोशनी ये देख लेती है और संगमित्रा को धक्का मारकर हटा देती है। मालिनी का चाकू रोशनी के पेट में घुस जाता है। आह बहू, ये क्या हो गया बहू? राहुल तुरंत रोशनी को लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल में रोशनी का एक ऑपरेशन किया जाता है। उधर पुलिस मालिनी और भिखारी को पकड़ लेती है और उन दोनों को उम्र कैद की सजा होती है। रोशनी अभी ठीक है। संगमित्रा उसके पास जाती है और रोते हुए कहती है, बहू मुझे बचाने के लिए तुम खुद अपनी जान दे रही थी, मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा, तुम अब शगुनी नहीं हो। हाँ माँ, यही तो बोलना था मुझे, अब शगुनी जैसा कुछ भी नहीं होता। अभी तक रोशनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक एक्सीडेंट था। मुझे आज समझ में आ गया है बेटा, बहू तुम मेरी अच्छी बहू हो। ये सुनकर रोशनी भी रोने लगती है। माँ जी मैं तो बस सबके साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ, मेरी माँ नहीं है, क्या मैं आपको माँ जी नहीं सिर्फ माँ बुला सकती हूँ? हाँ हाँ बहू, तुम भी आज से मेरी बेटी हो। और इसके बाद से रोशनी के ऊपर से अपशगुनी नाम का धब्बा मिट जाता है। असल में अपशगुन जैसा सच में कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ हमारे मन का भ्रम है, इसलिए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।